हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। कैलोरीमेट्री का एक क्वेश्चन। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस कंटेंड इन क्लोज वेसल इज अप्रप्टली ऑब्टेन इन एवैक्यूएटेड चेंबर इफ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन एट 0 डिग्री सेल्सियस आर इन द रेशियो लैम्डा रेशियो 1। द फ्रैक्शन ऑफ वाटर एवेपोरेटेड विल बी, चार चॉइस दे रखे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। देखो, एक हमारे पास पहले एक क्लोज वेसल था, ऐसे है ना, इसमें वाटर भरा हुआ है, ये वाटर भरा हुआ है और इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने क्या किया, इस क्लोज वेसल को ओपन कर दिया किसी दूसरे, एक चैम्बर है ये, एक चैम्बर ले लिया और उसमें वैक्यूम है ना, और यहां से फिर इसे ओपन कर दिया ऐसे। तो देखो, यहां वैक्यूम होने की वजह से ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं होगा, उसकी वजह से कुछ पार्टिकल क्या होंगे, जंप करेंगे, और जंप करेंगे ऊपर की तरफ, क्या नहीं है आपका, कोई एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं होने की वजह से कुछ पार्टिकल एवेपोरेट होंगे वाटर के, दैट मीन्स स्टीम में, वेपर में कन्वर्ट होंगे। और जब एवेपोरेट होंगे तो एवेपोरेट होने के लिए उस पार्टिकल को वाटर से स्टीम में बनने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे वो पार्टिकल, मतलब एनर्जी चाहिए होगी उन पार्टिकलों को एवेपोरेट होने के लिए, स्टीम में बदलने के लिए, वाटर से स्टीम में बदलने के लिए उनको एनर्जी चाहिए होगी। वो एनर्जी कहाँ से लेंगे, इसी वाटर से लेंगे, इससे वाटर का टेम्परेचर घटेगा और वो फ्यूज होगा, मतलब आइस बन जाएगा। तो यहां पर कुछ वाटर एवेपोरेट हो जाएगा और कुछ वाटर क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, मतलब आइस बन जाएगा, क्योंकि जैसी वो एनर्जी इससे लेगा, एवेपोरेट होने के लिए उसे एनर्जी चाहिए होगी, है ना, और एनर्जी कहां से लेगा, वो इस अंदर वाले वाटर से लेगा, और अंदर वाले वाटर से लेगा तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा, और टेम्परेचर डाउन होगा तो ये आइस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और कितना वाटर है बेटा, मैं लेट कर लेता हूँ कि मान लो एम ग्राम वाटर है, पहले हमारे पास यहाँ पे एम ग्राम वाटर था एट 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब इसमें से लेट कर लो कि एम वन ग्राम वाटर वेपर में बदल गया है, एवेपोरेट हो गया है, स्टीम में कन्वर्ट हो गया है, बचा हुआ एम माइनस एम वन ग्राम वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर ऐसा है, क्वेश्चन में यही कहा है, तो इस वाली कंडीशन में से कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी, कहाँ से करी होगी, ये एनर्जी वाटर एब्जॉर्ब कर रहा होगा कहाँ से, अंदर वाले वाटर से, इस मतलब इस वाले वाटर से एब्जॉर्ब कर रहा होगा, मतलब ले रहा होगा, कितनी एवेपोरेट होने के लिए, कितनी एवेपोरेट हो रहा है, एम ग्राम वाटर, एम वन ग्राम वाटर में लेट किया है, तो एम ग्राम एल इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इतनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर से वेपर बनने के लिए। और जो ये वाला जो पोर्शन है बचा हुआ इसका, है ना, मान लो ये वाला एवेपोरेट हो गया और ये आइस में कन्वर्ट हो गया, तो इसने एनर्जी रिलीज करी होगी, जब एनर्जी रिलीज करेगा वाटर, और एनर्जी रिलीज करेगा तो वो सॉलिड में आएगा, तो कितना एनर्जी रिलीज करी होगी बेटा, इसने रिलीज की होगी, अंदर वाले वाटर ने जब एनर्जी रिलीज करेगा तो आइस में बदल जाएगा, तो रिलीज करने के बाद ये एम माइनस एम वन इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ है बेटा, केवल क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर ये प्रोसेस होती है दोनों, तो ये इसने रिलीज करी, उसने एब्जर्व कर ली, जितनी इसने रिलीज करी होगी उतनी उसने एब्जर्व करी होगी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो क्यू एब्जॉर्ब इज इक्वल टू क्यू रिलीज, तो कितना एम वन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एम माइनस एम वन इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब एक काम करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अपॉन लेटेंट ऑफ फ्यूजन, इसको इसके नीचे ले आते हैं, एम माइनस एम वन ओवर एम वन, तो एक बार इसके नीचे लिख लो तो एम अपॉन एम वन हो गया, और एक बार इसके नीचे लिखेंगे तो माइनस वन हो जाएगा, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे। ये वाला हमें क्वेश्चन में गिवेन है यहाँ पर कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन अपॉन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड वेपराइजेशन इज द रेशियो लैम्डा रेशियो 1,
ये लेमडा रेशो वन गिवन है हमें बेटा, लेकिन गिवन है हमें लेमडा सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे देखो ये उल्टा है, दिख रहा है, तो इसीलिए उल्टा करेंगे इसको, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अपॉन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन करेंगे तो वन अपॉन लेमडा हो जाएगा ये। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इसकी, वन अपॉन लेमडा, इस वन को इधर ले आओ, तो एम अपॉन एम माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन लेमडा प्लस वन। यहाँ से लेमडा एलसीएम ले लो तो वन प्लस लेमडा आ जाएगा, ये एम अपॉन एम वन आ जाएगा। इन दोनों को उल्टा कर लो, एम वन अपॉन एम इज इक्वल टू लेमडा वन प्लस लेमडा। अब हमसे पूछा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ वाटर एवेपोरेट विल बी, तो फ्रैक्शन ऑफ वाटर एवेपोरेट वापरेटेड ये पूछ रहा है। अच्छा फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि टोटल वाटर में से कितना वाटर एवेपोरेट हो गया, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो गया, उसका रेशियो होता है, ये पार्ट होता है। तो मान कितना एवेपोरेट हुआ, वेपर में कन्वर्ट कितना हुआ है, एम बन मास, तो ये जितना मास एवेपोरेट हुआ है वो डिवाइडेड कितने में से हुआ है, एम ग्राम वाटर में से हुआ है। तो एम ग्राम वाटर में से एम बन ग्राम वाटर एवेपोरेट हो गया, तो उसी का फ्रैक्शन पूछ रहा था, तो फ्रैक्शन ऐसे निकालते हैं बेटा, फ्रैक्शन ऑफ वाटर एवेपोरेटेड, तो जो चीज एवेपोरेट हुई है वो वेपर में बना है, तो वेपर लिख देंगे ऊपर, वेपर वाला मास, और कितने में से हुआ है, टोटल मास में से कितने कितने में से हुआ है, टोटल मास एम ग्राम था बेटा, उसमें से हुआ है। तो हमेशा ऐसे फ्रैक्शन निकालते हैं, तो एम वन अपॉन एम वन ही यही हमसे पूछ रहा है बेटा, और यही हमने कैलकुलेट कर रखा है, एम वन अपॉन एम लेमडा बराबर लेमडा अपॉन वन अपॉन लेमडा, लेमडा और वन प्लस लेमडा, तो ये फंक्शन आ गया, ये आपका आंसर हो गया। इसलिए इसकी जो चॉइस होनी चाहिए वो बी चॉइस इज करेक्ट चॉइस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, थैंक यू। और देखो आपने ये देखा होगा कि अगर किसी चैम्बर में पानी भरा हुआ है पर उसे ऊपर से क्लोज कर दें तो कुछ बूंदे बूंदे सी चिपक जाती हैं इसके ऊपर, तो एवेपोरेट हुई तो होकर चल जाती है बेटा, अंदर से एवेपोरेट होने के लिए उसे एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी कहाँ से लेगा, अंदर वाले पानी से लेगा बेटा, है ना, और अंदर वाले पानी से लेगा तो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, इसीलिए वो एवेपोरेट होगा बेटा, वैक्यूम है ऊपर, और एवेपोरेट होने के लिए उसे एनर्जी चाहिए होगी, तो अंदर वाले पानी से ले लेगा। उम्मीद करता हूँ कि जरूर समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, थैंक यू।